सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल अजहर चैनल को और पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले और साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए हम आज के टॉपिक शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं अजहर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल अजहर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले लेनेवो के के सीरीज स्मार्टफोन के बारे में, जिसमें ओरियो का अपडेट अभी तक क्यों नहीं मिले हैं और इसका रीज़न क्या है कि अभी तक नहीं मिले हैं और कब मिलेंगे फ्रेंड्स। तो मैं आज इसी टॉपिक पे आपको बताऊंगा और हर एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा फ्रेंड्स कि आपको कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे और इसका रीज़न क्या है जो अभी तक लेट हो रहा है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ मेरे वीडियो के साथ आप बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स, और मेरे वीडियो को एक लाइक दे देना। मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपको हर एक दिन देता रहूँगा फ्रेंड्स, अच्छे से अच्छे टॉपिक पर बना बना कर देता रहूँगा। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और आपको बता देते हैं किसका रीज़न क्या है। जो सबसे फर्स्ट रीज़न यहाँ पर निकल कर आता है फ्रेंड, जो कि लेने वो K8 जो सीरीज स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हुए थे, उसके बाद लेने वाले ने एक और स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं जिसका नाम है लेने वो K9 Note और लेने वो K9 Plus फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये सब स्मार्टफोन जो आ रहे हैं इंडिया में, ये जब तक आपको लॉन्च नहीं हो जाते हैं, जब तक आपको लेने वो K8 का जो सीरीज़ है इसमें आपको ओरियो अपडेट नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स। ये क्यों ऐसा हो गया, क्यों ऐसे लेने वो वाले ने कर रहे हैं, तो इसमें रीज़न ये निकल के आता है कि जो लेने वो K9 सीरीज स्मार्टफोन आ रहे हैं उसमें आपको जो दोनों स्मार्टफोन आएंगे ओरियो के साथ आएंगे। अगर उससे पहले लेने वो के 8 सीरीज में अगर मिल जाए ओरियो अपडेट, तो आप समझ सकते हैं जो नया फ़ोन आ रहा है उसमें भी मिल रहा है ओरियो का अपडेट, और उससे पहले जो पुराने वाला फ़ोन है उसमें भी ओरियो का अपडेट मिल रहा है। तो आप जान रहे हैं कि थोड़ा सा कंपेयर में जो होगा से लेने वो K9 थोड़ा सा कंपेयर में उसका वैल्यूज कम जाएगा फ्रेंड्स। इसलिए मतलब लेने वो वाले ने ऐसा सोचा है कि जो पहले K9 Plus है और K9 Note उसमें अपडेट जब तक अपडेट मिल गया है और उसको जब तक लॉन्च इंडिया में नहीं कर दिया जाए, तब तक आपको जो लेने वो K8 का सीरीज स्मार्टफोन है उसमें आपको ओरियो का अपडेट नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स। तो ये रहा सवाल इसमें कि जो लेने वो K9 Plus और लेने वो K9 Note इंडिया में लॉन्च कब होंगे। तो ये लगभग आपको जो लास्ट जून होगा या तो आपको 1 जुलाई में लॉन्च हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादा उम्मीद रखिए कि आपको लास्ट जून तक लॉन्च हो जाएंगे। ये लॉन्च होते ही आपको लगभग 1 से 2 वीक वेट करने होंगे और लेने वो K8 के जितने स्मार्टफोन आते हैं जो सीरीज है, K8 Note है, K8 Plus है, K8 है, सभी में आपको ओरियो का अपडेट मिल जाएंगे। मैं आपको इससे ऑफिशियल वेबसाइट पर ही बात किया था लेने वो वाले से, और मैंने इसकी कस्टमर केयर में ही बात की थी, तो वहाँ से भी मुझे यही इन्फॉर्मेशन मिली है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ फ्रेंड्स। इसकी कुछ आपको प्रूफ भी दे देता हूँ जैसे कि मैंने देखा है कुछ वेबसाइट पे, तो चलिए आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि मेरा सिक्योरिटी पैच है जैसे अभी कौन सा चल रहा है। तो फ्रेंड, इससे पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियो को एक लाइक दे देना फ्रेंड्स, क्योंकि मैं हर एक दिन आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पर मेरा 5 जनवरी 2018 का चल रहा है, इसका नेक्स्ट क्या होगा वो भी मैं देख लेता हूँ, और इसका जो नेक्स्ट पैच आने वाला है उसमें क्या नेक्स्ट पैच होगा, कोई और पैच इसमें मिलेंगे या आपको डायरेक्ट ओरियो का अपडेट मिलेंगे, मैं आपको ये भी बताऊंगा। ये भी मैंने कंफर्म कर लिया है लेनेवो वाले से। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि जनवरी के बाद फरवरी का भी आया हुआ है सिक्योरिटी पैच, उसके बाद मार्च का भी आया हुआ है फ्रेंड्स। तो इसमें आपको मिलेंगे कौन से, इसके बाद आपको ना फरवरी के मिलेंगे ना ही आपको मार्च के मिलेंगे फ्रेंड्स, इसमें आपको डायरेक्ट मिलेंगे तो बस ओरियो का अपडेट मिल जाएंगे जो आपको जून या जुलाई में मिलेंगे। ये अपडेट मिलेंगे जब तक के लेने वो K9 सीरीज स्मार्टफोन लॉन्च इंडिया में नहीं हो जाते, तब तक आपको नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स। तो बस मैं आपको यही बताता हूँ, और इसके बाद आपको कुछ इसका जो साइट्स है उस पर आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ इसके लेटेस्ट न्यूज़ क्या है। तो आपको जो लेटेस्ट न्यूज़ है आप थोड़ा सा देख सकते हैं, आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, बने रहिए आप मेरे वीडियो के साथ, और वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि लेने वो K8 Plus एंड K8 Note गेट एंड्रॉयड ओरियो अपडेट 22 जून 2018 फ्रेंड। इसमें 3 स्मार्टफोन आते हैं, आपको तीनों में मिल जाएंगे, जो कि ओरियो अपडेट ऑलरेडी वर्किंग हो रहा है, अब तक कि कंफर्म भी हो चुका है, मतलब जो ओरियो अपडेट पर काम चल रहा था फ्रेंड्स वो अब कंप्लीट हो चुका है, जो पहले की प्रोसेस में था तो ये अब कंप्लीट भी हो चुका है। मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ थोड़ा सा जो कि लेनेवो के इन 3 स्मार्टफोन में मिलने वाले हैं ओरियो के अपडेट, इसमें कौन कौन सा स्मार्टफोन आएंगे मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो थोड़ा सा आप नीचे नज़र डालेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टेक्नोलॉजी कंपनी लेनेवो वाले हाल ही में लॉन्च हुए 3 नए स्मार्टफोन के बहुत जल्द एंड्रॉयड ओरियो लेटेस्ट में मिलने वाले हैं।
ये नया अपडेट के सी लेनेवो के 8 प्लस और के 8 नोट और लेनेवो के 8 प्लस को मिलेंगे फ्रेंड्स। इसमें तीन आते हैं जो कि लेनेवो के 8 आते हैं, लेनेवो के 8 नोट आते हैं और लेनेवो के 8 प्लस आते हैं फ्रेंड्स। इन तीनों ही स्मार्टफोन को और ये अपडेट जून या जुलाई महीने के बीच मिल जाएंगे। इसका मतलब है कि अपडेट के लिए लेनेवो के 8 और के 8 प्लस और के 8 को यूजर को लगभग अभी तक 9 मंथ इंतजार करना होगा। थोड़ा सी लेटेस्ट न्यूज़ पुराना न्यूज़ है इसलिए इसमें 9 महीने का लिख रहा है फ्रेंड्स। यह उम्मीद है कि वक्त ज़्यादा क्योंकि स्मार्टफोन स्टॉक एंड्रॉइड पर चलते हैं जो बेहतर परफॉर्मेंस के साथ नियमित और तेज़ अपडेट के वादे के साथ आते हैं। आप भी तो समझ सकते हैं जो कि स्टॉक होता है बहुत अच्छे चलते हैं। मतलब यहाँ पे इसका कुछ फीचर्स आपको बता दूं जो कि लिखा हुआ है और ये अपडेट में होंगे कई शानदार फीचर्स। मैं आपको इसका फीचर्स भी बता देता हूँ, इसमें फीचर्स आपको क्या रहने वाले हैं तो थोड़ा सा आप नीचे ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ यहाँ पे है कि एंड्रॉयड 8.0 और ये अपडेट के साथ यूजर को पिक्चर इन, जो कि फीचर मैं आपको बता रहा हूँ, पिक्चर इन, पिक्चर मोड, नोटिफिकेशन चैनल जिसको हम ये बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा आपको चेंजिंग होने वाला है और आपको नोटिफिकेशन बैच और एंड्रॉयड इंस्टेंट ऐप जैसे काम के फीचर मिल जाएंगे। इसमें यूजर की सहूलियत के लिए कई और भी फीचर मिलेंगे। जैसे फ्रेंड्स अभी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि लेनेवो के 8 प्लस मुझे हैंग कर रहे हैं, मुझे कोई गेम खेल रहा हूँ तो मुझे लैग कर रहे हैं, मेरा बैटरी प्रॉब्लम बहुत हो रहा है। जैसे कि मैं बैटरी सुबह चार्ज करता हूँ, 2 घंटे 4 घंटे मेरा बैटरी समाप्त हो जाता है फ्रेंड्स। तो मुझे उम्मीद से जो ओरियो का अपडेट आएगा उसमें बहुत सारे जो बग्स है वो फिक्स किए जाएंगे फ्रेंड्स, और आपको जो ही परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है उससे आपको छुटकारा मिलेगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ इस ओरियो अपडेट का इंतज़ार कीजिए और मैं आपको बता देता हूँ कि देख सकते हैं आपको कौन कौन स्मार्टफोन में मिलेंगे। तो आपका फिर यहाँ पर थोड़ा सा नज़र डालिएगा जो कि लेने वो के 8 है, के 8 नोट है फ्रेंड्स और यहाँ पर के 8 प्लस है फ्रेंड्स। इसमें फिलहाल अभी तीनों में 7.0 नौगट चल रहा है और फ्रेंड्स जो इसका ओरियो अपडेट होगा इसका क्या होगा, यानी कि 8.01 होता है या 8.0 होगा फ्रेंड्स। तो आप ये कन्फर्म हो जाइए कि तीनों के तीनों स्मार्टफोन में आपको 8.0 ओरियो अपडेट ही मिलेंगे, आपको 8.01 का नहीं मिलने वाले हैं। तो आप ये कन्फर्म हो जाइए फ्रेंड्स। तो बस फ्रेंड मैं आपको यही बताने वाला था कि इसका रीज़न क्या है। तो आप रीज़न समझ चुके हैं कि जब तक लेनेवो के 9 सीरीज का स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च नहीं हो जाते हैं, जब तक आपको के 8 सीरीज का स्मार्टफोन में नहीं मिलेंगे। और फ्रेंड्स इसमें जो ओरियो अपडेट इसका काम चल रहा था कई महीनों से, कई वर्षों से, मतलब 2 साल से काम चल रहा था लगभग। तो फ्रेंड्स इसमें जैसे ही मैंने जो इंडिया में लॉन्च किया था लेनेवो के 8 प्लस, वैसे ही लेनेवो वाले ने दावा किया था कि इसमें मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं के 8 सीरीज़ में स्मार्टफोन में जो भी होंगे मैं उसको और ये अपडेट दूंगा। तो उसी टाइम से इसमें काम चलने लगे थे, थोड़ा बहुत चल रहे थे, लेकिन फिलहाल अभी जो ये फरवरी या मार्च महीने में ये जो काम चल रहा था ये सक्सेसफुल हो गया है, मतलब जिसका और ये अपडेट है रेडी हो चुका है, बस इसमें मिलने के लिए बाकी है। तो मैं आपको बता ही दूँ कि इसमें क्यों नहीं मिल रहे हैं, अब तक तो मिल जाना चाहिए था। तो आप समझ लीजिए कि जो K9 सीरीज स्मार्टफोन है ये लॉन्च कब होंगे, तो लगभग आपको बता चुका हूँ कि जून में हो जाएंगे। जून में होती है आपको जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपको ओरियो अपडेट जो लेने वो K8 सीरीज है आपको ओरियो अपडेट में दिखेंगे। ये अपडेट आपको लगभग 800-900 MB के होंगे मेरे उम्मीद से फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा, और ये जो स्मार्टफोन आएंगे कब आएंगे आप भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स बस मैं आज को यही बताना था कि कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और कोई भी सुझाव रहे तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं वहाँ आपको जवाब तुरंत दे दूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक दे देना फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे आपके साथ अगले लेटेस्ट न्यूज़ में फ्रेंड्स। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए टेक्निकल अजर चैनल को।